बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। खुनी तहसील के भटवाल गांव के रहने वाले प्रकाश चंद व उनकी माता रोशनी देवी बरसों से आदिवासियों जैसी जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। प्रकाश चंद और उनकी माता एक कमरे के मकान में रहते हैं। प्रकाश चंद स्वयं पांव में तकलीफ की वजह से कोई भी कार्य नहीं कर पाते। वहीं उनकी माता भी ये ब्रेस्ट कैंसर की मरीज हैं। लोगों के घरों में काम करके इनकी दो वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता है। कभी कई बार काम मिलता है, कई बार नहीं। इतने वर्षों से कई सरकारें आई और कई गई, कई पंचायत प्रधान आए गए जो इन्हें प्रलोभन देते रहे कि उनका नाम आगे भेजा गया है, लेकिन प्रकाश चंद की किस्मत नहीं बदली। उनका एक कच्चा कमरा भी कभी भी गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। इन माँ बेटे की सुध कई वर्षों से किसी ने नहीं ली और ना ही कोई इनकी सहायता करने के लिए आगे आया। नमस्कार दोस्तों, मैं स्माइल फाउंडेशन खुनिया का मेंबर हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने फेसबुक के माध्यम से भटवाल के प्रकाश चंद सुग्रीव जी के बारे में एक पोस्ट शेयर की थी, उनके मकान के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनका रहन सहन बहुत ही बुरा है। उनका मकान जर्जर हालत में है। जहाँ पर वो सोते हैं, रहते हैं, खाना खाते हैं, वो दहनी स्थिति में है उनका मकान। मैं शब्दों में आपसे बयान नहीं कर सकता हूँ कि कैसी हालत में वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी माता जी पिछले 8 सालों से ब्रेस्ट कैंसर की मरीज हैं और टांडे के चक्कर लगाकर वो भी थक चुकी हैं। सुग्रीव भाई जी खुद बचपन से ही पैरों की बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी भी कार्य करने को असमर्थ हैं। अगर किसी कार्य को वो कर भी लेते हैं तो वो उनको दो वक्त की रोटी खाने की मजबूरी वो काम करवाती है। गांववासी उन्हें कभी कभार खाना खिला देते हैं, कभी एक परिवार कभी दूसरा परिवार, पर जरूरत पर उनकी पूरी तरह से सेवा करते हैं। पर फिर भी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ सुग्रीव भाई जी को सेवा करना नहीं है, उन्हें दो कमरों का मकान दिलाना है कि आप सभी देखें कि वो उनका रहन सहन कैसा है, वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, अपना कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कृपया इनकी सहायता के लिए आगे आएँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सुखबीर है कि मम्मी का ऑपरेशन हो जाए, कमे पैरों का मरीज है, ब्रेस्ट कैंसर है मम्मी को। तो मेरी ऐसी स्थिति है, मकान ढहने लगे आ, मैं कमाई नहीं सकता, दो टाइम की रोटी नहीं है, मकान ढहने लगे आ। और मेरा कोई पंचायती वाले को बोलिया तो बोलते हैं बाया हो गया अपना, पंचायत वाले बोलते हैं डाला डाला है, 30 साल हो गए कहीं नहीं कीती सही। और समाज प्रदर्शन ने कर रहे हैं बस, और आगे मकान ढह जाए तो इसका जिम्मेवार कौन है। उज्जवल हिमाचल के लिए ज्वालामुखी से पंकज शर्मा। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन।